गांधी जी की बहुचर्चित पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ से प्रभावित चार इंजीनियरों के मन में कुछ अलग करने की इच्छा जगी। इसको आकार देने के लिए साथ मिला लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का, जिनके सहयोग से साल 1971 में नव भारत जागृति केंद्र की स्थापना की गई। गांधी जी के सपनों का भारत एवं आदर्श ग्राम की परिकल्पना को साकार करने के लिए अक्टूबर 2017 से इसकी विधिवत शुरुआत की गई, जिसे ग्राम सेवा का नाम दिया गया। SBI फाउंडेशन के सहयोग से ग्राम सेवा परियोजना का क्रियान्वयन झारखंड के देवघर में अंधरी गादर पंचायत के 5 गांव में किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल सुविधा, शिक्षा, सरकारी योजना से जुड़ाव, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ग्रामीण संरचना, स्वच्छता एवं जागरूकता को शामिल किया गया है। अंधरी गादर पंचायत में कई गांवों में CIC सेंटर, कुओं का जीर्णोद्धार, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लास, लाइब्रेरी, अच्छे अंक पाने वाले गरीब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान किया गया है। सामाजिक दायित्वों को प्राथमिकता देते हुए महिलाओं के आर्थिक उत्थान हेतु सिलाई ट्रेनिंग सेंटर, आंखों का ऑपरेशन, शमशान घाट, स्ट्रीट लाइट, स्नान घर, हैंडपंप एवं सभा स्थल आदि का निर्माण कराया गया है। किसानों की उन्नति हेतु सिंचाई पंप उपलब्ध कराए गए हैं। पर्यावरण एवं आर्थिक फायदे के लिए वृक्षारोपण के लिए समुदाय को प्रेरित कर उन्हें सहयोग भी दिया गया है। एक सर्वांगीण विकास का काम नव भारत के अंदर करता है। विगत 3 वर्षों से SBI फाउंडेशन मुंबई के द्वारा नव भारत के अंदर झारखंड के देवघर जिला के 5 गांव में तथा बिहार के जमुई जिला के 5 गांव में सर्वांगीण विकास का काम कर रहा है। इसमें रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोग युवाओं को प्रशिक्षण दिए हैं और जो गांव में कृषि विकास का भी काम किया गया है। गांव में कृषि विकास करने से जो गांव के लोग हैं उनको रोजगार का अवसर भी बढ़ा है। थ्रू दिस प्रोजेक्ट वी अडॉप्ट विलेजेस एंड इनिशिएट एक्टिविटीज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। We intervene in education sector, health sector, livelihood sector, environment, women empowerment, youth empowerment, etc. and try to implement these activities with the participation of the community and the Gram Panchayat. पिछले 3 सालों से नव भारत जागृति केंद्र और SBI फाउंडेशन ने अंधरी गादर पंचायत के रमलडी, बरसतिया, नावाडी, गादी और शहरी के लोगों के जीवन शैली को बदल कर रख दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेट अप द SBI फाउंडेशन टू गिव अ स्ट्रेटजिक डायरेक्शन टू इट्स CSR एक्टिविटीज एंड वी केम अप विद द ग्राम सेवा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इन द ईयर 2017। अंडर दिस प्रोजेक्ट वी अडॉप्टेड 50 विलेजेस अक्रॉस 6 स्टेट्स इन पार्टनरशिप विद गुड रेप्यूटेड NGOs। जिस गांव के लोगों को सरकारी योजना, ऑनलाइन फॉर्म, आधुनिक खेती की जानकारी के लिए देवघर मार्केट जाना पड़ता था, अब उनके गांव में ही सहज रूप से उपलब्ध है। गांव के लोग CIC सेंटर में मिल रहे इस सुविधा से काफी खुश हैं। तो यहाँ नेट का सुविधा उपलब्ध है, ग्रामीणों को नेट के द्वारा लड़के को बताया जाता है, उसके बाद जीरक्स कॉपी भी होता है और सारी जो ब्लॉक के द्वारा जो योजनाएं माने आती है उसको यहाँ से सबको सिखाया जाता है। जैसे कि पशुपालन विभाग से हो, मत्स्य विभाग से हो, कृषि विभाग से हो, ऐसी संबंधित जो छोटी छोटी योजनाएं ब्लॉक द्वारा जो BDO साहब के द्वारा होता है उसको अभी प्रशिक्षण यहाँ दे करके सबको वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, ऐसा सब सुविधा यहाँ मूलभूत सुविधा की जानकारी देता है। झारखंड में गांव के गरीब बच्चे जो कंप्यूटर का कीबोर्ड और माउस को हाथ भी नहीं लगाया था,
आज खिलौनों की तरह इस्तेमाल करते हैं। हम लोग यहाँ पे आए और हमें पहले माउस भी अच्छे से पकड़ना नहीं आते थे। कंप्यूटर सर हम लोग को अच्छे से सिखाएं और बताएं इसके बारे में। हम लोग बहुत प्रयास किए और इसके बारे में जान गए। गांव के गरीब और मेधावी छात्रों को नव भारत जागृति केंद्र और SBI फाउंडेशन ने छात्रवृत्ति देकर सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है। मेरा नाम सुद्रा कुमारी, मैं गादी की रहने वाली हूँ। SBI के द्वारा छात्रवृत्ति का पैसा मिला है, ऐसे गरीब बच्चों को सुविधा के लिए दिया गया है पढ़ने के लिए। गांव के बच्चे और युवाओं के लिए एक सुंदर लाइब्रेरी भवन का भी निर्माण कराया गया है। यहाँ पे नव भारत जागृति स्वास्थ्य केंद्र से एक पुस्तकालय का निर्माण हुआ है, जिसमें कि हमारे गांव के सभी नवयुवक एवं जो भी पढ़ने वाले लड़के हैं वो आके अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं यहाँ पे बैठ के, और किसी भी तरह का मीटिंग वगैरह का अस्न होता है तो यहाँ पे किया जाता है, जिसमें कि हम लोगों को काफ़ी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। खासकर गांव की महिलाओं के लिए स्नान घर और हैंडपम्प की सख्त जरूरत थी। इसकी अहमियत को देखते हुए संस्था ने कई स्नान घर और हैंडपम्प भी लगाए हैं। मेरा गांव में संस्था तरफ से बहुत सारा काम मिला है, कुआं मिला है, चापाकल मिला है, नहाने के लिए बाथरूम भी मिला है और बैठने के लिए चबूतरा भी मिला है। इन क्षेत्रों में पानी की घोर किल्लत है, लिहाजा पारंपरिक कुओं का जीर्णोद्धार जरूरी था ताकि विषम परिस्थिति में भी पानी की कमी न होने पाए। पहले इसमें पानी भी नहीं था सर, और पूरा मतलब बिल्कुल एकदम भथा गया था सर ये कुआं। हाँ, एक कुआं अभी तो मरम्मत हो जाने के बाद मतलब अभी बहुत पानी, अभी मोटा मोटी 15-16 फीट पानी खड़ा है सर, और हम लोग से इसे बहुत भी फायदा भी हो रहा है। इन गांव में सामाजिक मिलन और सांस्कृतिक समारोह के लिए कोई सार्वजनिक स्थल नहीं था। इसकी पूर्ति के लिए संस्था ने शेड के साथ मीटिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण भी कराया है। आज ये प्लेटफॉर्म इनके उन्नति का बेहतर संसाधन बन गया है। यह सेट पहले गांव में नहीं था, यह सेट बनाया गया इस उद्देश्य से बनाया गया है कि जहां बैठने उठने की जगह नहीं थी, गांव में मीटिंग हो, किसी तरह की बातचीत करना हो, संगठित होकर के समस्या को रखना हो, उस चीज़ को तय करने के लिए शादी ब्याह के अवसर पर भी इससे लाभ बहुत होता है। रात में गांव की गलियां अंधेरी ना हो, इसके लिए संस्था की तरफ से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी की गई है। हम लोग गांव में अंधेरा था, SBI फाउंडेशन से हम लोगों को लाइट का मिला, हम लोगों को सुविधा हो गया लाइट के लिए। फायदा इससे यही हुआ कि अंधेरा में रहते थे, लाइट जब लग गया तो सांप बिच्छू से मैंने बचत है। आर्थिक रूप से पिछड़े गांव की महिलाओं के लिए नव भारत जागृति केंद्र ने बेहतर विकल्प दिया है। गांव में SBI प्रेरणा सेंटर के तहत सिलाई सेंटर स्थापित किया गया है। इस सेंटर से अब तक 79 महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। SBI फाउंडेशन NBJK इनसे हम मेरा जानकारी हुआ कि सिलाई सिखाया जाएगा यहाँ पे गांव में, तो इसमें हमको प्रशिक्षक के रूप में लिया गया और फिर हम आज लड़कियों को ये सिलाई सेंटर में सिलाई सिखाते हैं। और इनसे मतलब लड़कियों को बहुत सारी प्रेरणा मिल रही है कि पढ़ाई करते हुए कुछ अपने जीवन में अलग सा पहचान भी अपना होना चाहिए, जो घर बैठे कुछ पैसा कमा सके ये लोग। और इसमें हमको भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत ही हम आज अच्छे मुकाम पे हैं, कुछ मतलब मेरा अलग पहचान बना है। किसानों की तरक्की के बिना कोई राज्य विकास नहीं कर सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए रमलडी एवं शहरी गाँव के असिंचित खेतों के बीच तालाब का निर्माण कराया गया है। साथ ही किसानों के लिए ड्रिप सिंचाई सिस्टम को भी लगाया गया है। खेती के संबंध में बहुत सारी उपलब्धियां दी, जैसे मोटर दी और सारा बहुत चीज़ दी, लेकिन उसमें से ये ड्रिप एग्रीगेशन है सिंचाई वाला, ये बहुत ही हम लोग को फायदा हुआ। इसमें हुआ कि कम पानी में हम लोग का सिंचाई हो जाता है, मिट्टी जो है हल्की रहती है, इसमें खरपतवार कम लगती है, लेबर कॉस्ट बचती है, इसमें पौधा का उपज ज़्यादा होता है। ये जो तालाब
का खुदाई हुआ है ये नव भारत जागृति केंद्र एसबीआई फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। तो इससे ये हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग को मिला है, जो कि आज इन्हीं के द्वारा रवि खरीफ गर्मा सब फसल इनसे हम लोग सिंचाई कर लेते हैं। इनके पहले जो है सो हम लोग को सिंचाई के अभाव में फसल का उपजाऊ बहुत कम होती थी। बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं, इन्हें खुश रखना हम सब का कर्तव्य है। गांव में कई ऐसे बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष थे जिनकी आंखें कमजोर हो चुकी थी, अब उनकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, इनके जीवन में अब उजाला है। सब कुछ करे चे सुझे चे अभी से हम पहले अच्छा लागे चले। मेरा आँख खराब था, आँख एसबीआई द्वारा आँख का ऑपरेशन हुआ है, अभी मेरा आँख ठीक है। एसबीआई संस्था को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गांव में जर्जर हो चुके आधारभूत संरचना की मरम्मती भी की गई, स्कूल में पानी के कनेक्शन को ठीक किया गया, हैंड वॉश यूनिट को उपयोग करने लायक बनाया गया, स्कूल में शौचालय किचन के अलावा पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ाई गई, जिससे स्वच्छता और आरोग्यता मिशन को मजबूती मिलेगी। स्कूल की दीवारों को सुंदर पेंटिंग से सजाया गया है, टूटी खिड़कियों और दरवाजों को दुरुस्त कर नया बनाया गया है, छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए आनंदी कक्षा का निर्माण भी कराया गया है। यहाँ का जो है विद्यालय भवन जर्जर था, यहाँ की साफ सफाई भी अच्छी नहीं थी, लेकिन NBJK एवं SBI फाउंडेशन द्वारा हमारे स्कूल का कायाकल्प कर दिया गया है, और यहाँ तक कि कंप्यूटर शिक्षा का भी जो है अभी अभी जो है शुरुआत किया जा रहा है, सब कुछ व्यवस्था किया जा रहा है, और यहाँ का जो है बच्चा और गार्जियन भी बहुत खुश हैं NBJK और SBI फाउंडेशन के कार्य से। स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने की कोशिश के तहत CSC जसीडी में बाहरी दीवारों को रंग रोगन कर अस्पताल में जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें बेड, मशीन ट्रॉली, व्हीलचेयर, वेटिंग चेयर, BP मशीन, कुर्सी, टेबल शामिल हैं। नव भारत जागृति केंद्र और SBI फाउंडेशन ने इस पंचायत के सैकड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया है। गांव में कृषि विकास करने से जो गांव के लोग हैं उनको रोजगार का अवसर भी बढ़ा है, शिक्षा का जो काम है वो जो सरकारी विद्यालय हैं उन विद्यालयों को हमने सशक्त किया है, जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ भी हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया है, और जिससे कि वहाँ अच्छी सेवा मिल सके। साथ ही साथ इसमें गांव के लोगों की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण तौर पर लिया गया है, गांव की समिति बनाई गई, समिति के द्वारा यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है, और हम कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम काफ़ी सफल कार्यक्रम है। NBJK और SBI फाउंडेशन ने संस्था के कार्यकर्ताओं को बड़ी खुशी दी है। हमें लगता है कि ज़रूरतमंदों की चेहरे की मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, हम इसे बचा के रखेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। धन्यवाद।